निकाय चुनाव 26 नवंबर को है, लेकिन प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें अभी से तेज हो गई हैं। जनता किसे अपना मेयर चुनेगी, इसका पता तो वोटों की गिनती के बाद ही चलेगा। बहरहाल नेता अब जनता से घर से निकलकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक चौधरी ने बीएसपी नेता सतपाल चौधरी से खास बातचीत की। गाजियाबाद के नगर निगम चुनाव का जो प्रचार था वो थम गया और कहीं ना कहीं शोरगुल के बीच में अब रणनीति तैयार हो रही है। उम्मीदवार के प्रति सतपाल चौधरी है जो कि समाज सेवी है और कहीं ना कहीं पूरी कमान इन्होंने संभाली रखी है, इनसे घर से बाहर निकाल के मतदान कराने में। और क्या रुझान आपकी तरफ से देखा जा रहा है? सर ने यहाँ किया है जो कुछ किया है इस शहर के साथ, वो लोगों में उसका आक्रोश है और केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों का जो रवैया है, जीएसटी और नोटबंदी और बर्बादी और काम धाम से चौपट नहीं था, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, तो उसका सारा लोग विकल्प तलाश कर रहे थे। हम लोग उनके बीच पहुंचे, हमने उन्हें कहा कि आप विकल्प तलाश कर रहे हो और हम विकल्प देने में सक्षम है। तो और पत्रकार रह चुके हैं समाज सेवी, साथ ही आप जो फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं अभिभावकों के साथ में हमेशा रहते रहे, किस प्रकार से देखते हैं कि बीजेपी हमेशा यहाँ पे गाजियाबाद में सांसद बीजेपी का, विधायक फिलहाल बीजेपी का और मेयर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का होता है? देखिए, जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है सारे बीजेपी के, और यहाँ जिस तरह से आम मिडिल क्लास के लोगों को फीस के नाम पर लूटा गया है वो सब सबके जहन में दर्द है। हम स्वाति सहगल से मिले जो बहुत ही जिसके अंदर जज्बा है फूट फूट के भरा हुआ, जो बहादुर महिला है, नहीं लेके जाती है, उसकी उनके बेटे की मौत हुई जी डी गोयल का, सब लोग साथ खड़े थे। बताएगी कि क्या निर्णय रहता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जो तैयारी थी, जो घोषणा पत्र है उस पर संकल्प लिया है और कहीं ना कहीं जीत कराएंगे तो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ दीपक चौधरी, इंडिया वॉइस।